हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, साइकिल ऑफ इरोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का। ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी जीएस वालों को भी इसका थोड़ा बहुत काम पड़ता रहता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं तो डेविस की जो साइकिल ऑफ इरोजन थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। एक लंबा समय था जब पूरा विश्व पूरी जियोमॉर्फोलॉजी इसके प्रभाव में थी। अभी भी विद्वानों के बीच में ये बहुत लोकप्रिय है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास डेविस की थ्योरी है और दो तीन कंसेप्ट और हैं, एलसी किंग है और भी कुछ है। आई मीन ही डेविस की ही और जगहों पे जो थ्योरी है, मतलब जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन है, जो ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन है, वो चीज़ें। तो हम लोग फ्लूवियल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि रिवर से रिलेटेड जो साइकिल ऑफ इरोजन है। तो इनकी देखिए पहले कंसेप्ट, बेसिक अजम्पशंस, कंसेप्ट शुरू होने से पहले ये बेसिक अजम्पशंस की हम लोग बात करें। तो देखिए, इनका जो अजम्पशन था वो ये था कि लैंड फॉर्म्स आर इवॉल्व प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ इंडोजेनेटिक और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन अर्थ एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी लैंड फॉर्म होता है, जैसे आप रिवर वैली देखते हैं, पर्वत देखते हैं, या डिपोजिशनल फीचर्स देखते हैं, या इरोजनल फीचर्स देखते हैं, कुछ भी, तो वो लैंड फॉर्म जो है वो जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जहाँ पर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, डायस्ट्रोफिक फोर्स मतलब ये जो क्रस्ट को नीचे से मोड़ते हैं या क्रस्ट को चेंज करते हैं किसी तरह से, उसके पैटर्न को, मान लीजिए तरह तरह की विविधताएं पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, क्योंकि वो हमेशा जैसे उठाएंगी या एक मतलब फीचर का निर्माण करेंगी क्रस्ट पर। जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं, जो एटमॉस्फेयर से उत्पन्न होती हैं, ये हमेशा लेवल करने का काम करती हैं, इरोजन या डिपोजिशन के द्वारा या वीदरिंग के द्वारा। ये चाहती हैं कि हमेशा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो लेवल हो जाए, सब बराबर हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों के इंट्रैक्शंस का ही परिणाम होता है कोई भी लैंड फॉर्म। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि इवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स टेक प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर इन सच अ वे दैट सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ लैंड फॉर्म्स इज डेवलप्ड थ्रू टाइम इन रिस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंटल चेंज। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होगा तो उसके रिस्पॉन्स में एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ लैंड फॉर्म डेवलप होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई रिवर वैली है जो कि ग्रेडेड प्रोफाइल में पहुंच गई है, यानी कि अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ वो इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो भी अगर कोई चेंज होता है, जैसे सपोज कीजिए सी लेवल राइज होता है, तो उसका क्या होगा, बेस लेवल और ऊपर आ जाएगा, तो वो जो मैच्योरिटी वाला स्टेज था उसका, वही ओल्ड एज की तरह बिहेव करने लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। या अगर सी लेवल नीचे जाता है तो वो क्या होगा कि फिर से इरोजन और तेज़ी से करने लगेगी, जो ओल्ड स्टेज था वो मैच्योरिटी स्टेज की तरह बिहेव करने लगेगा और रिवर और तेज़ी से वो जैसे इनसाइज्ड मेंडर्स बनाने वाली बात है इस तरह से, कि और ज़्यादा वो जो मेंडर्स हैं उन्हीं को और गहरा कर देगी, ठीक है। तो ये सब रिजुविनेशन इसको कहते हैं। तो आगे चलते हैं, नंबर थ्री, एजम्पशन नंबर थ्री, स्ट्रीम्स इरोड दियर वैलीज रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेडेड कंडीशन इज अचीव्ड। तो देखिए, ग्रेडेड प्रोफाइल की भी बात की थी, जो इक्विलिब्रियम में हो अपने एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे स्लोप के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाए रिवर का फ्लो, रिवर की वैली का ओरिएंटेशन। तो अब कह रहे हैं कि ये स्ट्रीम्स तब तक अपनी वैली को इरोड करती रहेंगी जब तक, मतलब रैपिडली इरोड करती रहेंगी जब तक कि वो ग्रेडेड
कंडीशंस को अचीव ना कर लें, ठीक है। आगे है, देयर इज़ अ शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन लैंड मास, और अपलिफ्टमेंट इनकी, देखिए डेविस का ये मानना था कि अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा है लैंड फॉर्म का तो बहुत तेज़ी से होगा और वो पीरियड बड़ा थोड़ा होगा। तो इनका जो अगला एजम्पशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सत्य हो, ये डेविस की थ्योरी का एजम्पशन है, ये हमेशा आप लोग दिमाग में लेके चलिए। तो कह रहे हैं इरोजन डज नॉट स्टार्ट अनटिल द अपलिफ्टमेंट इज़ कम्प्लीट, तो पूरा अपलिफ्टमेंट कम्प्लीट जब तक नहीं हो जाता तब तक इरोजन शुरू नहीं होगा। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है, आगे डिस्कस करेंगे इसका जब थ्योरी का इवैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए फिर बात की जाए कि ये थ्योरी है क्या, तो इनकी जो डेविस की मूल थ्योरी है ये कह रहे हैं देयर आर सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स थ्रू टाइम। सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंड फॉर्म थ्रू टाइम का मतलब ये है कि वो यंग मैच्योर और ओल्ड स्टेजेस से पास होगा कोई भी लैंड फॉर्म, एंड दीज सिक्वेंशियल चेंजेस आर डायरेक्टेड टूवर्ड वेल डिफाइंड एंड प्रोडक्ट, और ये हमेशा जो सिक्वेंशियल चेंजेस हैं वो हमें एक एंड प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे, और वो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पेनेप्लेन, एक लास्ट में फीचरलेस प्लेन बनेगा जिसमें ऊंचा नीचा वाला हिस्सा बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बस एक्सेप्शन के तौर पे कुछ मोनेड नॉक्स रह जाएंगे। तो वो पेनेप्लेन आखिरी प्रोडक्ट होगा, इंड प्रोडक्ट होगा, ये कहा गया। अब इस थ्योरी को समझने के लिए ट्रायो ऑफ डेविस समझना बहुत ज़रूरी है, इन्होंने ट्रायो में क्या लिया था अपने। देखिए लैंड स्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, ये स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम यही ट्रायो हैं डेविस के, ये तीन ही फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि लिथोलॉजिकल यानी रॉक टाइप, यानी कि इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, कैसी रॉक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कहाँ से उसमें फोल्डिंग हुई है, कहाँ से फॉल्ट्स हैं, कहाँ जॉइंट्स हैं, ठीक है, किस तरह की रॉक है, तो ये स्ट्रक्चर में आ गया। टाइम तो आप जानते हैं कि टेम्पोरल मीनिंग तो इसका है ही, इसके अलावा इट्सेल्फ एक प्रोसेस के रूप में डेविस ने लिया है कि टाइम इट्सेल्फ इज़ अ प्रोसेस, एक लंबा समय का मतलब है कि वो लंबे चेंजेस, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है, जितना लंबा हम टाइम स्पान लेंगे। तो टाइम केवल टेम्पोरल मीनिंग में नहीं है बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल चेंज कर देता है लैंड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर टाइम हो गया, प्रोसेस में क्या है, द एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन, अब डिन्यूडेशन के जो भी एजेंट होंगे, डिन्यूडेशन मतलब क्या होता है, जो भी रॉक्स की ऊपरी सतह को हटाने वाले एजेंट्स होते हैं उनको एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन कहते हैं। तो एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन इंक्लूडिंग वीदरिंग एंड इरोजन, तो वीदरिंग और इरोजन के जो भी कारक होंगे वो सारे प्रोसेस में आ गए। तो देखिए ये डेविस का कर्व है, इन्होंने बनाया था, इस एक्सिस पे एल्टीट्यूड है, ये जो लोअर कर्व है एलसी से इसको डिनोट किया गया है, यूसी ये अपर कर्व, ये जो जा रहा है ये एक ही लाइन है, इसको दो लाइन में समझिएगा, ठीक है, ये एक ही लाइन है, तो ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व, ठीक है, और ये जो आपका अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच का जो डिफरेंस है ये रिलीफ है। तो रिलीफ का क्या मतलब होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ अ लैंड मास, ठीक है, तो ये रिलीफ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जो अपर कर्व वो क्या शो कर रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ
हाईएस्ट डिवाइड समिट्स, जो हाईएस्ट जो वाटर डिवाइड्स होंगे उन समिट्स का जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है वो शो कर रहा है, और नीचे का कर्व जो है ये वाला, ये वैली फ्लोर को शो कर रहा है। ये आपका ए डी जी, ये वाली जो लाइन है ये बेस लेवल शो कर रही है, यानी सी लेवल। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए सी जो है ये वाला, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ की बात कर रहा है, यानी एब्सोल्यूट रिलीफ मतलब सी लेवल से हाइट कितनी है। ए सी क्या शो कर रहा है? सी लेवल से हाइट। और बी सी जो शो कर रहा है इनिशियल एवरेज रिलीफ, इनिशियल एवरेज रिलीफ क्या था, ये बी सी शो कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट सी के बाद ये देखा गया, इधर से देखिए ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, हमने बताया था कि डेविस साहब का मानना था कि भाई जब तक अपलिफ्टमेंट होगा तब तक इरोजन नहीं होगा, हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन इनकी थ्योरी में यही माना गया है उसको सिंपल बनाने के लिए। तो ये जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है ये सी तक आते आते स्टॉप हो जाएगा अपलिफ्टमेंट, और यहाँ से फिर इरोजन शुरू होगा। और ये जब इरोजन शुरू होगा तब पूरी ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जो डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन है, और ये तीन स्टेजेस से पास होगी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि नदी की युवावस्था, यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था या ओल्ड एज, तो ये डेविस से ही लिया गया है। ये जो कंसेप्ट है ये स्टेजेस का, ये डेविस के ही साइकिल ऑफ इरोजन से लिया गया है। आप समझ सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे, तीनों स्टेजेस के डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।